Hello students, welcome again to my channel Learn with Guruji, and I hope you have subscribed my channel. This is the part 4 of the video, that is resource and development. That is resource and development. बच्चों लोग clear है resource and development. ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ. टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. इतनी बड़ी खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए. आपके सिलेबस जो है 2020-21 के लिए जो सिलेबस है सीबीएसई ने, वो सोशल साइंस में 30% रिड्यूस कर दिया है. 30% रिड्यूस हो गया है आपका सिलेबस. कितना बेटा? 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है. सो इट विल बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू. और इस क्या ट्वीट किया है सीबीएसई ने, क्या ऐड किया है, वो आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएगी. इस बार मैंने वीडियो में एक और चीज जोड़ी है. आज इस वीडियो के बाद जितने भी आपकी वीडियोस आएंगे या जो आज वीडियो है उसमें उसके नोट्स, बने बनाए नोट्स भी आपको जो है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे. सो प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल. यू विल गेट मच मोर फन ऑन दिस टॉपिक. Is that clear, little? Now we are moving to the topic, that is resource planning. Resource planning. क्या topic है अच्छा हमारा लोग? Resource planning. क्या topic है? Resource planning. What do you mean by this word? Planning. Planning किसको बोलते हैं अच्छा लोग? Planning बोलते हैं किसी चीज की सोच समझ कर करना. जैसे for example, आप जो है वो कोई काम करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं. जैसे आप टेंथ में मेहनत करते हैं तो आप ये सोच कर मेहनत करते हैं कि आप जो है वो मैंने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, इसलिए आप मेहनत करते हैं उस मेहनत उस टारगेट को अचीव करने के लिए. उसको टारगेट को अचीव करने के लिए आप अलग अलग तरीकों से मेहनत करते हैं. कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 3 घंटे पढ़ता है, कोई सभी सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ता है, कोई सभी सब्जेक्ट को अलग अलग डेज पढ़ते हैं. तो दैट इज इंक्लूडेड इन द टाइम प्लानिंग. तो इसी तरह से हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी भी प्लानिंग करना जरूरी है. इस बिना प्लानिंग के हम रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर सकते. समझ में आ गया बच्चे लोग? सो इसलिए जो है वो हमारी कंट्री के लिए, खासकर हमारी कंट्री की, आना हमारी कंट्री का व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया. एक बात बता देता हूं बच्चे लोग, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान नहीं है. और इस बात को प्रूव करने के लिए आप इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पढ़ सकते हैं. उसमें पहले वर्ड यूज किया गया है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या उसमें एक और वर्ड भी यूज किया गया है, कहीं कहीं ये वर्ड भी यूज है, दैट इज भारत. हिंदुस्तान हमारी कंट्री का नाम नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है. इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग जो है मित्रों वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो मिलती है. मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, नोट्स आपको इस टॉपिक के लास्ट में मिल जाए, वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे. मैं सिर्फ आपको जो है वो 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगा. देखिए मित्रों, आपने लद्दाख का नाम सुना है. लद्दाख कहाँ पे है? लद्दाख नाम से वैसे कोई जगह नहीं है, ये बता देता हूँ. लद्दाख लेह नाम से जगह है. लेह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है. और लद्दाख जो बनता है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर बनता है जम्मू एंड कश्मीर के. वन इज द कारगिल एंड सेकेंड इज द लेह. इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर जो है वो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट बनता है. तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो है, लद्दाख में बेटा लोग आपको पता है आइसोलेट है, 6 महीने सर्दियों में बिल्कुल बंद हो जाता है. लेकिन वो एरिया जो है वो आपके किसके लिए इम्पोर्टेंट है? वो एरिया आपकी कल्चरल हेरिटेज की. आपको पता है जितने भी बड़े बड़े गोम्बाज या मॉनेस्ट्रीज हैं वो कहाँ है इंडिया में? वो सबसे बड़ी लद्दाख में है. तो वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका. लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत
कम है क्योंकि एक हिली या माउंटेनियस टेरेन है। इसलिए कहा गया बच्चा कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देता हूँ फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आपने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन स्टेट्स का नाम सुना होगा। आयरन ओर की यहाँ का हम जो आपका मिनरल्स वाला चैप्टर है जब वो पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि उड़ीसा इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ आयरन ओर और मैगनीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन फिर भी मिनरल्स होने के बावजूद भी वो स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ और अदर जो है वहाँ और तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लद्दाख में और तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देता हूँ, वाटर रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, तो वाटर रिसोर्सेज में अरुणाचल प्रदेश जो है वो वो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी है। वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से उसमें जो है वो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से टैप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। अब बच्चा लोग, आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारे एरिया में कौन सा रिसोर्स है जिसको डेवलप करने से आपका एरिया डेवलप हो सकता है। अगर जहाँ मैं रहता हूँ, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करूँ, तो यहाँ वाटर रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर हर 2 किलोमीटर के बाद एक खड आती है, एक नाला आता है, और अगर हम उस खड नाले से जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो हमारा एरिया डेवलप हो सकता है। तो दैट्स व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। चलिए चलो अब दूसरा करेंगे हम टॉपिक, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। और बच्चा लोग, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है क्योंकि इसमें 3 ही पॉइंट है और 3 पॉइंट पे ये क्वेश्चन आपका आएगा। पहला, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस है? कम्प्लेक्स मीन्स बहुत उलझा हुआ प्रोसेस है। उलझा हुआ प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक बात देखिए, जो इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो पहले बताता हूँ। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। ये पहला स्टेप होता है। पहले तो ये पता करना पड़ता है कि उस एरिया में कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर पता करने के बाद आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि कौन सा एरिया है, कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, और रिसोर्स अवेलेबल होने के बाद उसकी इन्वेंट्री जो है वो बनानी पड़ती है। इन्वेंट्री क्या होती है बच्चा लोग? इन्वेंट्री होती है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कितना, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे कांगड़ा में बहुत ज़्यादा हर 2 किलोमीटर पर खड्डे अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, तो कितना पानी हर साल फ्लो होता है, कितना पानी जो है कब पूरा साल पानी होता है, पूरा साल पानी नहीं होता, इस तरह की इन्वेंट्री, इस तरह का रिकॉर्ड जो है वो बनाना पड़ता है। और जब इस तरह का रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसे जो है वो इन्वेंट्री कहा जाता है। और इन्वेंट्री बेटा ऐसे नहीं बन जाती, आपने भी देखा होगा अपनी मदर के मदर को जब वो किचन में जाती है तो वो बिना देखे बोलती है 1 ग्लास कम है। उनको कैसे पता लगता है कि 1 ग्लास कम है? उसको इसलिए पता लगता है कि उसकी उन्होंने पहले से वो गिन के रखे हुए थे। अगर मान लीजिए आप चम्मच ले रहे हैं तो मदर धोते बोलते हैं 1 चम्मच का किसने लिया, किसने उठाया यहाँ से 1 चम्मच, तो मदर को कैसे पता कि मदर ने वो इन्वेंट्री अपने यहाँ नोट की होती है। इसी तरह से जो है वो इन्वेंट्री बनानी पड़ती है। तो इन्वेंट्री बनाने के लिए उस रिसोर्स का सर्वे किया जाता है, उसकी मैपिंग की जाती है, उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है, उसकी क्वांटिटी मेजर की जाती है। तो ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, ठीक है मित्रो। दूसरा आता है इवॉल्विंग आ प्लानिंग स्ट्रक्चर
इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ध्रुव? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है जब आपके रिसोर्स की आइडेंटिफाई हो गया, इन्वेंट्री बन गई, मैपिंग हो गई, सर्वे हो गया, क्वालिटी नोन हो गई, क्वांटिटी नोन हो गई, तो उसके बाद प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से इस रिसोर्स को यूटिलाइज करना है। पहले ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें उस एरिया में नहीं है, अगर वो चीज़ें बन जाएंगी तो किस तरह से उस एरिया, उस रिसोर्स को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हिली एरिया या माउंटेनियस एरिया है तो उसमें रोड्स नहीं होंगे, गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो हैवी मशीनरी नहीं जा सकती, तो हैवी मशीनरी नहीं जाने के लिए पहले हमें रोड डेवलप करने पड़ेंगे। रोड डेवलप करने के बाद जब वहाँ पे गाड़ियाँ चलना शुरू होंगी, जब गाड़ियाँ चलना शुरू होंगी तो वहाँ पे जो है वो आपकी मशीनरी पहुँचना शुरू होगी, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें पहुँचेंगी, तभी आपकी जो है वो जो है वो प्लानिंग स्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ता है। ये बताओ आपका सेकंड कंसेप्ट है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका जो है मैचिंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द नेशनल स्ट्रक्चर। अब नेशनल लेवल पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस स्ट्रक्चर को जो आपके एरिया में स्ट्रक्चर चल रहा है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली जैसी सिटी में बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और आपके एरिया में कम टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जा रही है। दैट इज़ इंक्लूडेड इन द मैचिंग ऑफ प्लानिंग विद द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के साथ प्लानिंग जो है वो इंक्लूड की जाती है। These are the three important processes which are included in resource planning in India. बचलो तो ये 3 marks का आपका बहुत important question है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है और मेरे वीडियो के एंड में आपको इससे रिलेटेड पूरे के पॉइंट वाइज जो है वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एक आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बेटा जी आपको एक क्वेश्चन बार बार आपकी बुक में दिया हुआ है और वो क्वेश्चन आपके जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बुक का पेज नंबर है 4 और क्वेश्चन है कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजंस एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजंस। If yes, then give reasons and ये question आपका जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं आपको एक बात बता रही कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी रिसोर्स, किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन रिसोर्स होने के साथ साथ अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं हैं, कौन सी 2 चीज़ें बेटे लोग, कौन सी 2 चीज़ें? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो आप उस एरिया को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है सबसे पहले हमारे इसका ओडिशा झारखंड बैंक। मुझे बताएंगे बेटे कि कौन सा रिसोर्स मिलता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? यहाँ जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके मिनरल रिसोर्स। लेकिन आपने देखा होगा हमारे एरियाज में पंजाब, हरियाणा या इन एरियाज में लोग जो है वो वर्किंग करने के लिए, डेली बेस पे वर्किंग करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए जो है वो आपके जो है वो किस में आते हैं? दिहाड़ी लगाने के लिए हमारे एरियाज में आते हैं। वो यहाँ काम नहीं करना चाहते। क्यों काम नहीं करना चाहते? क्योंकि यहाँ पे दिहाड़ी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे रिसोर्स तो अवेलेबल है लेकिन टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो आपका लो है। इंस्टीट्यूशंस भी हैं लेकिन इंस्टीट्यूशन भी कम है और इंस्टीट्यूशन कम होने की वजह से ये जो आपके एरियाज हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स होने के साथ साथ, रिसोर्स एक कंडीशन है, रिसोर्स के साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। वी नीड दीज 2 थिंग्स टू डेवलप द एरिया, ठीक है। अब दूसरी एक कंडीशन आती है कि क्या, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि वो एरिया जिनमें रिसोर्स नहीं है लेकिन फिर भी डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली का नाम सुना होगा, ठीक है जी, या इसको हम न्यू दिल्ली भी बोलते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया।
इस न्यू दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, आपका जो है वो ये एरियाज हो गए, इन एरियाज में कोई भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आईटी के हब है ये एरियाज, या दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वो हब है। आप देखते हो कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सब के जो हेड ऑफिस है वो नोएडा के आसपास है, या फरीदाबाद के आसपास है, या गुरुग्राम के आसपास है, या जो है वो आपके इन गाजियाबाद के आसपास है। वो क्यों है? क्योंकि वो आईटी के हब बन चुके हैं। आईटी के हब बनने की वजह से वो एरियाज डेवलप हो गए। वहाँ रिसोर्स नहीं था, सिर्फ क्या चीज़ अवेलेबल थी? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन जो थे, ये दो चीज़ें आपकी अवेलेबल थी और रिसोर्स उन्होंने वहाँ पर पैदा कर दिए। ठीक हो गया, दिस इज नोन एज। अब लास्ट जो आता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन हो तो रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट बता देता हूँ। कंजर्वेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से हम इरेशनल वे में, इरेशनल बिना सोचे समझे, जिस हिसाब से हम जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज और ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे बहुत जल्दी आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। आपकी टेंथ की इकोनॉमिक्स की बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज है वो 50 सालों के लिए है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप जिस स्पीड पर यूटिलाइज कर रहे हैं, इसी स्पीड पर यूटिलाइज करते जाएंगे तो आपकी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो है वो रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था गांधी जी ने कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर नॉट एंड इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। ये गांधी जी की बहुत अच्छी लाइन थी कि हर किसी के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन अगर हम लालच करेंगे ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, तो वो पूरा नहीं हो सकता। और एक और कोटेशन थी गांधी जी की, अगर आपको याद हो तो, मेरी लास्ट लाइन का अच्छा ध्यान से सुनिएगा। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू चेंज इट, वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। He was against the mass production and wanted to replace it by production by the masses. Thank you बच्चा जी, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको नोट्स और सिलेबस अभी मिल जाएगा इस वीडियो में। थैंक यू बच्चा लोग।